Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rural College, University of Allahabad. And in the series of discussing various educational philosophies, this time I am going to discuss a very relevant and you can say very popular philosophy, that is Marxism, Marxwad. ये ऐसी थ्योरी है जो बहुत विषयों में पढ़ी पढ़ाई जाती है, एजुकेशन में, फिलोसफी में, सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, बहुत जगह. तो इट मस्ट बी यूजफुल फॉर यू ऑल. लेट्स स्टार्ट. क्या है मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद कहाँ से आया, कहाँ से उद्भव हुआ, किस तरीके की बातें करता है और शिक्षा में इसने क्या दिया है, इससे हमारा लेना देना है. तो मार्क्सिज्म जनरली रिफर्स टू द आइडियाज ऑफ द जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स, है ना, कार्ल मार्क्स जी के नाम पे ही दिया गया है. ये जर्मन फिलोसोफर थे और उन्हीं के विचारों का ये संग्रहण है, आप कह सकते हैं. बट मार्क्सिज्म डज नॉट मीन एक्सक्लूसिवली द आइडियाज ऑफ मार्क्स, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के विचारों का संकलन या संप्रत्यय ही नहीं है मार्क्सिज्म. ये क्या है, इट इंक्लूड्स द आइडियाज ऑफ मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स एंड देयर सपोर्टर्स हु कॉल देमसेल्व्स मार्क्सिस्ट्स. ये कह रहे हैं कि मार्क्स के अलावा एक और दार्शनिक हुए, एंगल्स हुए, और भी उनके बहुत सारे समर्थक जो अपने आप को मार्क्सवादी कहलाते थे, उन सब के विचारों का ये रिफ्लेक्शन है. और क्या है ये, इट इज अ मेथड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस. देखिए, इसीलिए इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा जाता है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा जाता है, सोशियोलॉजी में पढ़ा जाता है, क्योंकि ये तरीका ही क्या है, विश्लेषण का क्या तरीका है, मतलब सामाजिक और आर्थिक तरीके से विश्लेषण किया गया है, दैट यूज क्लास रिलेशंस एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट यूजिंग ए मेटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन टेक्स अ डायलेक्टिकल व्यू ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. ओ माय गॉड, देखिए क्या कह रहे हैं कि सामाजिक रूप ट्रांसफॉर्म होता रहता है समाज, कभी कोई समाज रहता है, कभी कोई समाज रहता है, तो उसमें उन्होंने कहा जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, मतलब अगर हम पुरातन समय से देखते आए कि किस तरीके का समाज था और आज का कैसा समाज है, तो उस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का इन्होंने मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन किया है, मतलब द्रव्य के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन किया गया है, अर्थ निकाला गया है, और कहा गया है कि जितने भी क्लास रिलेशन है, मतलब समाज में जो वर्ग है उनके बीच का जो अंतर संबंध है और जो उनमें द्वंद्व होता है, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ मैटर होता है, मटेरियल. इस तरीके की इन्होंने बातें की है. तो आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. बेसिक टीनेज, अगर हम इसकी फिलॉसफी जानना चाहें, मार्क्सिज्म को समझना चाहें, तो हमें सात इसके कंसेप्ट हैं, सात सिद्धांत हैं जो हमको समझने होंगे. पहला है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ऐतिहासिक आपका भौतिकवाद. थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, जो अधिक उत्पादन हो जाता है उसका क्या, उसका क्या मूल्य है. कास्ट स्ट्रगल, जो वर्गों में संघर्ष होता है वो क्या है. रिवोल्यूशन, क्रांति जब आती है वो क्या है. एंड डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, यानी कि जो पूंजीपति समूह है, जो उसका जब डिक्टेटरशिप होता है, जब वो दूसरे पर, मतलब आप कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप, तानाशाही करने लगता है. और कम्युनिज्म, साम्यवाद, इतनी तरीके के सिद्धांत की बात मार्क्सिज्म में की गई है. तो सबसे पहले शुरू करते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म से, यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है. ये कह रहे हैं कि इन्होंने हिस्ट्री को, यानी कि पुरातन समय से, जब एकदम प्रिमिटिव समाज था, से लेकर अब तक का जो समाज है, उसका जो चित्रण किया, उसका जो अर्थ निकाला है, वो उन्होंने कहा है कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, यानी भौतिकवाद के हिसाब से निकाला. इट इज ए साइंटिफिक मेथोडोलॉजी डेवलप्ड बाय मार्क्स एंड एंगल्स फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. इन्होंने हिस्ट्री के इंटरप्रिटेशन के लिए एक वैज्ञानिक विधि डेवलप की, जिसको कि इन्होंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहा है. Here Marx has borrowed heavily from his predecessors, यानी कि उनसे पहले जो दार्शनिक होके गए, उनसे उन्होंने बहुत सारे टर्म बोरो किए हैं, जैसे कि हीगल से किया है. तो डायलेक्टिक्स इज अ वेरी ओल्ड मेथडोलॉजी. ये कह रहे हैं जो डायलेक्टिक का मतलब क्या है, डायलॉग से बना है. डायलॉग, डायलेक्टिक इज अ वेरी ओल्ड मेथडोलॉजी, बहुत पुरानी विधि है. किस चीज के लिए विधि है, किस लिए उपयोग की जाती थी, एम्प्लॉयड टू डिस्कवर ट्रूथ बाई एक्सपोजिंग कंट्राडिक्शंस थ्रू ए क्लैश ऑफ ऑपोजिट आइडियाज. मतलब कि मेरा विचार आपके विचार से एकदम भिन्न है, बिल्कुल विपरीत हम लोग विचार रखते हैं, कंट्राडिक्शन है, हमारे में मतभेद है, विभेद है, उससे हमको ट्रुथ निकालना है. ये डायलेक्टिक की एक विधि है, बहुत पुरानी विधि है. हीगल रिफाइंड इट बाय डेवलपिंग द ट्राइलॉजी ऑफ, हीगल ने इसको डेवलप किया, उसके बारे में बात की. उन्होंने कहा कि तीन चीजें होती हैं, थीसिस, एंटी थीसिस एंड सिंथेसिस. मतलब आप कोई विचारवाद रखते हैं, फिर उसका प्रतिवाद रखते हैं, और बाद में उससे संश्लेषण करके कुछ निकल कर आता है. इट इज पॉपुलरली नोन एज द डायलेक्टिकल ट्रायड. इसको द्वंद्वात्मक
त्रिभुज या ट्रायड के नाम से भी जानते हैं, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। यहां से डायलेक्टिकल इन्होंने हीगल से ले लिया। प्रोग्रेस और ग्रोथ टेक्स प्लेस थ्रू द डायलेक्टिकल प्रोसेस, ये कह रहे हैं जितनी भी उन्नति होती है, जो वृद्धि होती है समाज में, वो सिर्फ डायलेक्टिकल प्रोसेस से होती है। एट एवरी स्टेज ऑफ ग्रोथ इट इज कैरेक्टराइज बाई कंट्राडिक्शन, और हर ग्रोथ के, वृद्धि के हर चरण पे इसमें कंट्राडिक्शन होता है, हम कुछ कहेंगे आप कुछ कहेंगे, अलग अलग बात होगी। और मेटीरियलिज्म इन्होंने कहाँ से लिया है, मार्क्स इज हाईली इंडेटेड टू द फ्रेंच स्कूल ऑफ मेटीरियलिज्म, मेनली द फ्रेंच मेटीरियलिस्ट थिंकर लुडविग फ्यूरबैक। यानी कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का डायलेक्टिकल जो है वो हीगल से लिया इन्होंने, और मटेरियलिज्म एक मटेरियलिस्टिक फिलोसोफर थे, थिंकर थे लुडविग फ्यूरबैक, उनसे लिया, इन दो से मिला के इन्होंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बनाया। क्या है ये, जो हीगल थे जिनसे इन्होंने डायलेक्टिकल शब्द लिया है, वो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की बात करते थे और इन्होंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात की। मतलब हीगल द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की बात करते थे और मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं। दोनों लोग एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। ये कह रहे हैं इट इज द मैटर विच इज द अल्टीमेट रियलिटी एंड नॉट द आइडिया। हीगल कहते रहे कि विचार जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, द्रव्य, रुपया, पैसा, यही अल्टीमेट रियलिटी है। लेटर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉर्मर। वो कह रहे हैं जो विचार है वो मैटर का ही रिफ्लेक्शन है। हीगल क्या कहते थे कि जो आइडिया है वो मैटर, जो मैटर है वो आइडिया का रिफ्लेक्शन। दोनों एक दूसरे से उल्टी बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं इट इज नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ मेन दैट डिटरमाइंस देयर कॉन्शियसनेस, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी इट इज द सोशल एग्जिस्टेंस दैट डिटरमाइंस देयर कॉन्शियसनेस। वो कह रहे हैं कि मनुष्य का जो कॉन्शियसनेस है, जो उसकी चेतना है, वो उसकी सोशल स्टेटस डिफाइन नहीं करती है, बल्कि जो उसका सोशल एग्जिस्टेंस है वो उसकी चेतना डिफाइन करती है। यानी कि हर चीज के लिए इन्होंने मैटर को और सोशल एस्पेक्ट को जिम्मेदार ठहराया। ये कह रहे हैं मार्क्स ने कहा कि हीगल्स डायलेक्टिक्स वॉज स्टैंडिंग ऑन इट्स हेड एंड आई हैव पुट इट ऑन इट्स फीट। मतलब कैसे इन्होंने ये कोटेशन दी है, कोट किया है कि हीगल साहब जैसे सीधे थे मैंने उनको उल्टा कर दिया, या आप कह सकते हैं कि वो उल्टे खड़े थे मैंने उनको सीधा कर दिया, इस तरीके की बात मार्क्स ने कोट की है। वो कह रहे हैं हीगल हैज डेवलप्ड डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। मैंने बता दिया आपको कि हीगल साहब ने द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की बात की। फॉर हिम इट इज द आइडिया विच अल्टीमेटली मैटर्स। हीगल कह रहे थे कि आइडिया है वही मैटर करता है, वही द्रव्य है, वही सब कुछ है, अल्टीमेट रियलिटी है, अल्टीमेटली इट इज द आइडिया which matters and the other things are only its reflection। Hegel कह रहे थे कि आइडिया सब कुछ है और सारी और चीजें उसी का रिफ्लेक्शन है। बल्कि मार्क्स कह रहे हैं कि इकोनॉमिक फोर्सेस, जो अर्थपूर्ण बल होते हैं, रुपए पैसे की जो बात होती है, जो मटेरियल की बात होती है, जो प्रोडक्शन की बात होती है, वो सब कुछ है। आइडिया इज द रिफ्लेक्शन ऑफ मटेरियल फोर्सेज। ये कह रहे हैं कि आइडिया मटेरियल फोर्सेज का रिफ्लेक्शन है। द इकोनॉमिक फोर्सेज डिटरमाइन द आइडिया एंड नॉट वाइस वर्सा। ये कह रहे हैं कि जो आर्थिक बल है वो हमारे विचार को सुनिश्चित करते हैं, जबकि इसका उल्टा नहीं होता। देखिए किसी की भी फिलोसफी समझने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि वो किस युग काल की बात हो रही है। जिस काल में मार्क्स थे उस काल में बहुत जो पूंजीपति थे वो बहुत शोषण कर रहे थे गरीबों का, दासों का, और बहुत खींचातानी थी समाज में, और जो शोषित वर्ग था वो लगता था उसको कि हमें सैलरी मिल रही, हमें वेजेस कम मिल रहे हैं, हमें मेहनताना कम मिल रहा है। तो वहां से उपज हुई है इसकी, इसलिए इनको लगा कि सब कुछ जो है वो मटेरियल है, सब कुछ जो है वो इकोनॉमिक फोर्सेस है। तो आज के समय में इतना रेलेवेंट नहीं है ये पॉलिसी, लेकिन ये फिलोसफी, बट स्टिल ये बहुत रिवोल्यूशन का ये केंद्र बिंदु रहा है और बहुत समझने वाली बात है कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन आपका क्रिटिसिज्म इस बात पे हो जाता है कि सब कुछ इकोनॉमिक दिक्कत की वजह से नहीं होता है ना। दस मार्क्स हैज रिवर्स द पोजीशन ऑफ आइडिया एंड मैटर। तो इस तरह से मार्क्स ने आइडिया और मैटर की पोजीशन को उल्टा कर दिया, जो कि हीगल ने बताया था। हीगल ने क्या कहा था कि आइडिया सब कुछ है और सब कुछ उसका रिफ्लेक्शन है। ये कह रहे हैं कि मैटर सब कुछ और आइडिया मैटर का रिफ्लेक्शन है। इसीलिए कहते हैं कि हीगल इट वाज अपसाइड डाउन एंड आई हैव करेक्टेड इट। हीगल ने उसको नीचे कर दिया था, मैंने उसको सही किया है, ऐसा मार्क्स साहब ने कहा था। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज द एप्लीकेशन ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इनटू द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। मतलब कि जब हम हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन करते हैं, इतिहास का पुनरावलोकन करते हैं, इतिहास का हम अर्थ निकालना चाहते हैं, उसको इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुप्रयोग से निकाला, इसीलिए उसका नाम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कर दिया गया है। ये कह रहे हैं इट इज द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बाई अप्लाइंग द मार्क्सियन मेथोडोलॉजी ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। यानी कि जो विश्व का इतिहास हुआ है इसका उन्होंने इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन किया। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को चार स्टेजेस में बांटा जा सकता है। प्रिमिटिव, जो एकदम सबसे हमारा पुरातन समय था, फिर स्लेवरी सिस्टम, ये कम्युनिज्म गलती से आ गया। प्रिमिटिव,
स्लेवरी सिस्टम, फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म, यानी कि प्रिमिटिव एकदम प्राथमिक समाज, फिर दासत्व वाला जब समाज आया, फिर फ्यूडलिज्म जब साम्यवाद आया, और कैपिटलिज्म पूंजीवाद आया. ये कह रहे हैं प्रिमिटिव क्या था, प्रिमिटिव, अच्छा प्रिमिटिव कम्युनिज्म को एक साथ कर दिया. प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेवरी सिस्टम, फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म, यानी कि प्राकृतिक सॉरी यार प्राथमिक समाज, दासत्व वाला जो सिस्टम था, जो साम्यवाद था, और जो पूंजीवाद था. तो कह रहे हैं कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म रिफर्स टू द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि अगर हम मनुष्य के इतिहास का सबसे पुरातन, सबसे पहला भाग देखना चाहें तो वो प्रिमिटिव समाज है हमारा. इट वॉज ए प्रॉपर्टी लेस, एक्सप्लॉयटेशन लेस, क्लास लेस एंड स्टेट लेस सोसाइटी. उस वक्त कोई सत्ता का नहीं था कि प्रॉपर्टी है हमारे पास, आपके पास कम है, वो भी नहीं था. इसीलिए कोई एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं था, कोई वर्ग भी नहीं था, कोई राज्य भी नहीं था. The community owned the means of production. जो पूरे जो भी होता था वो कम्युनिटी का होता था. करना क्या था, केवल शिकार करना था और खाना था उसको मिल बांट के. तो जो भी शिकार होता था उसको सब लोग मिल बांट के खा लेते थे. कोई सरप्लस कुछ चीज थी ही नहीं जिसके स्वामित्व की बात होती, कोई मतलब अधिक ऐसा थोड़ी था कि कल के लिए आज शिकार करके रख लेंगे. जब शिकार करते थे खाते थे. द कम्युनिटी ओन्ड द मीन्स ऑफ, कोई इस तरीके की धन की बात नहीं थी, मैटर की बात नहीं थी. तो समुदाय के पास owned the means of production, मतलब कि जो भी उत्पादन होता था वो समुदाय का था, उस पर समुदाय का स्वामित्व था. They were not under private ownership, किसी का अपना नहीं कि मेरा है आपका नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी. इसीलिए exploitation भी नहीं था, इसीलिए किसी का शोषण नहीं होता था. फिर क्या हुआ, technological development आया, तो हमारे production में improvement हुआ. This leads to surplus production, जब हम तकनीकी की सहायता से उत्पादन करने लगे तो उत्पादन क्या हुआ, ज्यादा हुआ, surplus हुआ, अधिक हुआ. तो जो जो अधिक उत्पादन हो रहा है उसके स्वामित्व की बात हुई कि ये किसका होगा, इस पर किसका अधिकार होगा. Which results in the emergence of private property. तब private property का emergence हुआ और सोसाइटी तब बट गई दो भागों में, एक जिसका स्वामित्व है प्रॉपर्टी पर, और दूसरा वो जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि प्रॉपर्टी ओनिंग एंड प्रॉपर्टी लेस क्लासेस. तो क्या हुआ, क्लास डिविजन इन सोसाइटी एंड एक्सप्लॉयटेशन लीड्स टू क्लास स्ट्रगल. इसलिए क्या हुआ, वर्ग बन गए समाज में कि मेरे पास धन है आपके पास धन नहीं है. तो इसीलिए क्या हुआ, शोषण हुआ, और इसी ने वर्ग संघर्ष को जन्म दिया. फिर उसके बाद जब आपका प्रिमिटिव समाज के बाद दासत्व वाला आया, मास्टर और स्लेव हो गए, यानी कि दास हो गए, स्वामी हो गए. तो उन्होंने कहा जो स्वामी है उसके पास है और जो दास है उसके पास नहीं है. मास्टर्स आर दी हैव्स एंड दी स्लेव्स आर दी हैव नॉट्स. तो उन्होंने कहा स्टेट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द मास्टर क्लास. राज्य जो है हमेशा मास्टर क्लास के रुचि के हिसाब से काम करता है, उसके इंटरेस्ट में काम करता है. स्लेव सिस्टम के बाद क्या आया, साम्यवाद आया. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लीड्स टू चेंजेस इन द मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड दिस ब्रिंग्स अबाउट कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड सुपरस्ट्रक्चर. और तकनीकी विकास होने लगा, और ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, तो जो स्लेव सिस्टम था वो फ्यूडल मोड से वो हो गया, ये मैंने लिख दिया था पहले ही, फ्यूडल मोड से रिप्लेस हो गया. बाय वर्च्यू ऑफ ओनरशिप ऑफ द लैंड द फ्यूडल लॉर्ड्स गेट अ ह्यूज शेयर ऑफ द प्रोडक्शन विदाउट डूइंग एनीथिंग. जो स्वामी था है ना, तो वो आपका सामंतवाद है ना, फ्यूडलिज्म. तो जो सामंत है उसके पास जमीन है, जमीन, और जो मजदूर है जो उस पर काम करता है, जो दिन रात मेहनत करता है, उसको छोटा सा थोड़ा सा वेज देता था, और सारा स्वामित्व चूंकि भूमि का उसके पास था इसलिए सारा प्रॉफिट का शेयर उसके पास जाता था, जबकि वो करता कुछ नहीं था. और इसके बाद आता है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद आता है. पूंजीवाद में क्या होता है, समाज बढ़ जाता है दो भागों में, पूंजीपति और सर्वहारा, बोर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट क्लास. और उसमें भी क्या है, जो पूंजीपति है उसने चूंकि प्रोडक्शन के मींस को ओन कर रखा है, खरीद रखा है, तो जो सर्वहारा है वो प्रोडक्शन करता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है, और जो पूंजीपति है वो कुछ विशेष करता नहीं लेकिन सब कुछ उसको मिलता है. तो ये क्लियर कट डिस्टिंक्शन समाज में चल रहा है, और उसका इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन बताया कि हैव्स एंड हैव नॉट्स, वो लोग जिनके पास है और जिनके पास नहीं है. तो जिनके पास है, जिनके पास नहीं है उनका शोषण करते हैं, और यही वर्ग संघर्ष को जन्म देता है मार्क्सवाद के अनुसार. फिर थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, सरप्लस वैल्यू यानी कि ज्यादा उत्पादन हो रहा है, जो ज्यादा उत्पादन हो रहा है उसी के तो स्वामित्व की बात है. तो इन्होंने कहा कि मार्क्स हैज डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू टू एक्सप्लेन द एक्सप्लॉयटेशन इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी. तो ये कह रहे हैं कि जो पूंजीवादी समाज है उसमें जो शोषण है वो सिर्फ और सिर्फ सरप्लस वैल्यू की वजह से है. उन्होंने लेबर थ्योरी बताई, उन्होंने कहा वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ लेबर कंज्यूम्ड इन इट्स प्रोडक्शन.
यानी कि किसी भी माल का, किसी भी सामान का जो मूल्य होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना श्रम लगा है। जैसे हम लोग कुछ कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं कि अरे भैया, तो बताते हैं कि ये मान लीजिए 10,000 का है, या कोई साड़ी है उस पर बहुत महीन काम है जो एकदम हाथ से होता है, जिसमें कोई तकनीकी इन्वॉल्व होती है, उतनी महंगी होती है। क्यों? वो कहते हैं कि इसमें श्रम लगा है, वो कहते हैं कि इसको बहुत धीरे बनती है, ये आदमी के हाथ से बनी है, इस पर कोई मशीन नहीं चली है। तो जितना ज्यादा श्रम लगता है उतना ज्यादा माल की कीमत होती है। तो ये कह रहे हैं कि लेबर इज द मोस्ट वाइटल, जो लेबर, जिस श्रम लग रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें श्रम की इंपॉर्टेंस में यूजलेस हो जाएंगी। जैसे आपके पास अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, जमीन है, पूंजी भी है, आपके पास संस्था भी है, लेकिन मजदूर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मजदूर उस पर काम ही नहीं करेगा तो आपकी आपकी जो भूमि है, मजदूर का मतलब कारीगर कोई भी, आपकी पूंजी है, जो आपका संगठन है, सब नष्ट है, सब वेस्ट है, सब बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं। तो जो लेबर है वही प्रोडक्शन के फैक्टर को, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो डिटरमाइन करता है। लेकिन ये क्या करते हैं कि वर्कर की सबसे ज्यादा वैल्यू और वर्कर को सबसे कम पे किया जाता है। तो यही जो है वो सरप्लस वैल्यू है, और सरप्लस मतलब जो प्रॉफिट है कैपिटलिस्ट का, जो पूंजीपति का जो उनको लाभ हो रहा है वही सरप्लस वैल्यू है। और यही क्या है, अंतर है, जो उसने कम दिया है कारीगर को, वही अगर कारीगर को उसकी मेहनत के हिसाब से दे दे तो सरप्लस वैल्यू ही नहीं होगी। तो ये सब हिसाब किताब है। फिर क्लास स्ट्रगल, इसीलिए वर्ग संघर्ष हुआ। जो जो शोषित वर्ग है उसको जब समझ में आया ये बात कि उस पर शोषण किया जा रहा है और हम मेहनत हम करते हैं और हमको मिलता कुछ नहीं है, तो संघर्ष शुरू हुआ। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदर टू एग्जिस्टिंग सोसाइटी हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। वो कह रहे हैं कि अगर हम पूरे समाज को देखें, समाज के इतिहास को देखें, तो वो वर्ग संघर्ष की कहानी है। एक्सेप्ट द प्रिमिटिव कम्युनिस्ट एज, ऑल हिस्टोरिकल एजेस हैव बीन कैरेक्टराइज्ड बाय द एंटागोनिज्म बिटवीन द डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट क्लासेस और द हैव्स एंड हैव नॉट। ये एंड होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि प्रिमिटिव समाज को छोड़ दीजिए, जो आपका सबसे पुराना वर्ग है, जब हंटर थे हम लोग, शिकारी थे, वो समय छोड़ दीजिए, तो बाकी जितना भी समाज है वो हमेशा विरोधाभास में रहा है, दो वर्गों के बीच में, एक जिनके पास था और एक जिनके पास नहीं था। इसी विरोधाभास ने हमारे वर्ग के कंट्राडिक्शन को उत्पन्न किया है, और उसी की वजह से जो प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास है, यानी कि जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास धन है, पूंजी है, जिसके पास स्वामित्व है, वो जिसके पास स्वामित्व नहीं है, धन नहीं है, पूंजी नहीं है, उसका शोषण करता है। और यही मेन सोर्स है, यानी कि मेन स्रोत है, मुख्य स्रोत है और मुख्य कारण है किसका, वर्ग संघर्ष का। उन्होंने बात की रिवोल्यूशन, तो जब वर्ग संघर्ष हुआ तो क्या होगा, क्रांति होगी, विद्रोह होगा, हम रिवोल्ट करेंगे, मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं इसीलिए कि हमारी मांगे पूरी करो, बिकॉज हम जितना कर रहे हैं उतना हमको मिल नहीं रहा है। तो क्लास स्ट्रगल पेव्स द वे फॉर रिवोल्यूशन, जब संघर्ष हुआ तो रिवोल्यूशन हुआ। कह रहे हैं क्लास स्ट्रगल इज इम्परसेप्टेबल बट रिवोल्यूशन इज परसेप्टेबल। आपको वर्ग संघर्ष दिखता नहीं है पर रिवोल्यूशन दिखता है, ये अगोचर है क्लास स्ट्रगल जबकि ये गोचर है। इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्लास स्ट्रगल प्रिपेयर्स द ग्राउंड फॉर रिवॉल्यूशन। जितना ज्यादा आप संघर्ष, जितना ज्यादा आप उनको शोषण करेंगे, उनका शोषित वर्ग बनाएंगे, उतना ही रिवॉल्यूशन के लिए ग्राउंड तैयार होता है। क्लास स्ट्रगल इज ए लॉन्ग ड्रॉन अफेयर बट रिवॉल्यूशन इज शॉर्ट, स्विफ्ट एंड वॉयलेंट। वो कह रहे हैं कि वर्ग संघर्ष जो होता है वो लंबा अफेयर है, लेकिन जो क्रांति होती है वो छोटी होती है, वॉयलेंट होती है जरूर को। फिर वर्ड्स ऑफ मार्क्स, मार्क्स ने कहा रिवोल्यूशन इज द इंडिस्पेंसिबल मिडवाइफ ऑफ सोशल चेंज। वो कह रहे हैं कि कोई सामाजिक परिवर्तन रिवोल्यूशन के बिना नहीं हो सकता, मतलब रिवोल्यूशन होना जरूरी ही है, इसीलिए इनके सोसाइटी को रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म भी कहा जाता है। ट्रांजिशन फ्रॉम द हिस्टोरिकल स्टेज टू अनदर अकर्स थ्रू रिवोल्यूशन। वो कह रहे हैं किसी भी एक चरण से दूसरे चरण में जाने के लिए आपको क्रांति करनी होगी, विद्रोह करना होगा। फ्यूडल रिवोल्यूशन ब्रॉट एन एंड टू द स्लेवरी सिस्टम। ये कह रहे हैं कि फ्यूडल रिवोल्यूशन जब हुई तो स्लेवरी सिस्टम खत्म हुआ, बुर्जुआ रिवोल्यूशन जब हुआ तो फ्यूडलिज्म खत्म हुआ, और प्रोलिटेरिएट रिवोल्यूशन जब हुआ सर्वहारा वर्ग में, तो ये पूंजीपति का युग खत्म हुआ। दस एनी इपोक मेकिंग सोशल चेंज इज ऑलवेज ब्रॉट अबाउट ए रिवोल्यूशन। वो कह रहे हैं कि इसलिए जब जब समाज में परिवर्तन होता है तो उसका कारण विद्रोह या क्रांति ही होती है, और ये हमेशा वॉयलेंट होती है, कभी शांतिपूर्वक ढंग से क्रांति नहीं होती है। फिर उन्होंने कहा कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, ये कह रहे हैं कि द प्रोलिटेरिएट रिवोल्यूशन विल लीड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिएट, इट इज ऑल्सो नोन एज द सोशलिस्ट स्टेट। ये कह रहे हैं कि जब आपने सर्वहारा वर्ग को बहुत सता लिया तो वो जब क्रांति कर गया तो सत्ता उसके हाथ में आ गई ना, तो क्या हुआ, नाउ द टेबल विल बी टर्न्ड, अब टेबल बदल गई है, और प्रोलिटेरिएट विल यूज द स्टेट अपैरेटस अगेंस्ट द बुर्जुआ, यानी कि जो सर्वहारा वर्ग है, जो मजदूर है, वो पूंजीपति के खिलाफ हो गया और स्टेट को अपैरेटस वो उसके खिलाफ यूज कर रहा है। तो बुर्जुआ क्या करेगा, यानी कि पूंजीपति क्या करेगा, काउंटर रिवोल्यूशन, वो फिर से क्रांति करेगा, फिर से विद्रोह करेगा, उनको दबाने का काम करेगा ताकि वो पुराने सिस्टम को रीस्टोर कर सके।
तो वो कह रहे हैं कि द डोमिनेंट क्लास टू ऑप्रेस द डिपेंडेंट क्लास हैज क्रिएटेड द स्टेट। जब जो प्रभावपूर्ण समाज है, वर्ग है, जब वो डिपेंडेंट क्लास को दबाने का काम करता है तो राज्य का निर्माण होता है। द स्टेट प्रोटेक्ट्स एंड सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ इट क्रिएटर विच इज द प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास। और वो कह रहे हैं राज्य जो है हमेशा किसकी रक्षा करता है, किसकी सेवा करता है, वो जिसने उसको बनाया है, यानी कि प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास की। दिस क्लास हैज ऑलवेज बीन इन ए माइनॉरिटी। और वो कह रहे हैं कि जो पूंजीपति वो हमेशा संख्या में कम होते हैं, चाहे आप इसको मास्टर स्लेव में देख लीजिए, चाहे फ्यूडल लॉर्ड में देख लीजिए, चाहे कैपिटलिस्ट युग में देख लीजिए, किसी भी युग में। तो लास्ट में इन्होंने क्या कहा कि कम्युनिज्म, मतलब सबसे पहले क्या था कि उन्होंने कहा क्लास स्ट्रगल, सरप्लस वैल्यू, तकनीक की सहायता से सरप्लस वैल्यू हुई। जब सरप्लस वैल्यू हुई तो मतलब अधिक उत्पादन हुआ तो उसके स्वामित्व की बात हुई। तो जब स्वामित्व की बात हुई तो जिसके पास पैसा ज्यादा था उसने जिसके पास पैसा कम था उसको दबाया, तो क्लास स्ट्रगल हुआ, वर्ग संघर्ष हुआ। वर्ग संघर्ष के बाद क्या हुआ, विद्रोह हुआ। विद्रोह के बाद क्या हुआ कि जो मजदूर था उसने अपने मालिक पर, अपने जो उसको शोषण कर रहा था उस पर मतलब टेबल टर्न हो गई, वो उलट दिया उसने, वो सत्ता उसके हाथ में आ गई। तो जब सत्ता उसके हाथ में आ गई तो सोशलिस्ट समाज की स्थापना होती है, यानी कि समाजवादी, साम्यवादी, जिसमें सब लोग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अंडर द लिविंग केयर ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, यानी कि जब सर्वहारा वर्ग के डिक्टेटरशिप पे आता है तो सोशलिस्ट समाज की उत्पत्ति होती है जो कि साम्यवाद को जन्म देता है। ये कह रहे हैं इट विल पेव द वे फॉर द इवेंचुअल इमर्जेंस ऑफ कम्युनिज्म विच इज स्टेबल एंड परमानेंट। वो कह रहे हैं कि जब साम्यवाद आ जाएगा तो वो स्टेबल होगा, परमानेंट होगा। क्यों, इनके हिसाब से, क्योंकि अब सबके पास बराबर पैसा है, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। तो इन्होंने कहा ये एक सामाजिक इवोल्यूशन का चरण होगा। और इन्होंने कहा जब साम्यवाद आ जाएगा तो फिर कोई सोशल चेंज नहीं होगा, डायलेक्टिकल प्रोसेस भी खत्म हो जाएगी, एक रेशनल सिस्टम आ जाएगा, तार्किक समाज, इसमें कोई विरोध नहीं होगा, कोई कंट्राडिक्शन नहीं होगा, कोई क्लास कंट्राडिक्शन नहीं होगा, इसलिए कोई क्लास स्ट्रगल भी नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि कम्युनिज्म क्या है, साम्यवाद, साम्यवाद का मतलब ये समानता। तो कह रहे हैं क्लासलेस समाज होगा, स्टेटलेस होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी लेस एंड एक्सप्लॉइटेशन लेस सोसाइटी का निर्माण हो जाएगा। ऐसा मार्क्स ने सोचा था पर ऐसा कभी हुआ नहीं समाज में, यही इसका क्रिटिसिज्म है। इन्होंने कहा कि सबके पास पैसा आ गया, सब लोग बराबर हैं, तो चूंकि वर्ग भी नहीं है, कोई राज्य भी नहीं है, किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है, तो सब कुछ एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं है, कोई क्लास स्ट्रगल नहीं है, और एकदम समानता, साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। ऐसा मार्क्स और उसके समर्थकों ने सोचा था और अपनी फिलॉसफी दी। तो अब अगर हम इनका क्रिटिकल अप्रेजल करें तो इनके बहुत सारे क्रिटिसिज्म हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि क्लास डिवीजन को सिर्फ दो भागों में बांटा, हैव्स एंड हैव नॉट्स। पर हम जानते हैं कि क्लास में, समाज में कितनी तरीके के डिवीजन होते हैं, बहुत तरीके के, न्यूमरस, जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से। इन्होंने जाति धर्म कुछ नहीं बताया, बस जिसके पास रुपया है और जिसके पास रुपया नहीं है। फिर इन्होंने कहा था कि जो मिडिल क्लास है वो जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ेगा मिडिल क्लास डिसअपियर हो जाएगा और प्रोलिटेरिएट क्लास में समा जाएगा, सर्वहारा वर्ग में। पर इसका उल्टा हुआ, अब मिडिल क्लास जो है वो बहुत ज्यादा उसने अपनी स्ट्रेंथन कर लिया पोजीशन, उसने अपना इंक्रीज कर लिया साइज। तो मार्क्सियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म हैज बीन सीवियरली क्रिटिसाइज्ड। और उन्होंने जो कहा कि हर चीज को डिटरमाइन इकोनॉमिक मींस करते हैं, पैसा रुपया करता है, आपका आर्थिक कारण जिम्मेदार होता है, वो भी बहुत उसकी आलोचना हुई कि ऐसा नहीं होता है, पैसा जरूरी है लेकिन हर चीज पैसे से सुनिश्चित नहीं है, और भी बातें हैं जो समाज में अपना रोल प्ले करती हैं। तो ये है मार्क्सवाद। ये दो बार आ गया, ठीक है, ये हिसाब किताब मार्क्सवाद का है। आपको समझना होगा डायलेक्टिकल शब्द कहाँ से आया, हीगल के डायलेक्टिकल आइडियलिज्म से आया है। वो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की बात करते हैं, ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं। फिर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है, जब हम हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के हिसाब से कर रहे हैं वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है। फिर थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, फिर क्लास स्ट्रगल, फिर रिवोल्यूशन, फिर डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, एंड इन लास्ट कम्युनिज्म की स्थापना हो जाएगी, साम्यवाद हो जाएगी और वर्गहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। ये मार्क्सवाद का बेसिक है। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड अ वेरी यू कैन से इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फिलोसफी ऑफ योर कोर्स मार्क्सिज्म। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माय